आप सभी का स्वागत है आराधना किचन में। आज हमने बनाई है एकदम फेमस और ट्रेंडिंग रेसिपी जो है हार्ट शेप पिज्जा। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। हार्ट शेप पिज्जा बनाने के लिए आपको चाहिए पिज्जा बेस जो कि हार्ट शेप में है। अगर आपको हार्ट शेप में बेस नहीं मिलता है तो आप इसी तरीके से सर्कुलर पिज्जा बेस ले सकते हैं और उसमें से हम हार्ट शेप कट कर लेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने नाइफ की मदद से कट कर लिया है। और हमारा हार्ट शेप पिज्जा बेस रेडी है। पिज्जा बेस पे बटर अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ यहाँ पे यूज किया है चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड टोमेटोज एंड चॉप्ड कैप्सिकम्स और केचप और बटर और चीज के साथ बना लीजिए क्विक पिज्जा। अब केचप ऐड कर दीजिए, आप चाहे तो यहाँ पे पिज्जा सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। ऐड कर दीजिए चॉप्ड ऑनियंस, इक्वली स्प्रेड कर दीजिए और ऐड कर दीजिए चॉप्ड टमेटोज। अगर आपके घर पे स्वीट कॉर्न है, ऑलिव्स है, कोई और वेजीज है जो आप पिज्जा में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड कर दीजिए सॉल्ट एज पर टेस्ट और रेड चिली फ्लेक्स। आप अगर चाहे तो ओरेगानो भी इसी स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स के बाद ओरेगानो ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। अब अगर आपको ओरेगानो पसंद है तो यहाँ पे सिर्फ चिली फ्लेक्स ही ऐड किए हैं। ऊपर से होगी हमारी चीज की बारिश, तो चीज ऐड कर दीजिए। पिज्जा चीज या मोजरेला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल जो चीज आता है, रेगुलर हम यूज करते हैं, वही चीज का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरीके से चीज को ऐड कर दीजिए और ऊपर से ऐड कर दीजिए चॉप्ड कैप्सिकम्स। इस स्टेज पे अगर आप चाहे तो यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। बाद में हमने पिज्जा रख दिया है ओवन में। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो बहुत ही इजी रेसिपी है। आप कोई भी नॉनस्टिक पैन में हल्का सा बटर लगा दीजिए और रख दीजिए। हमारा जो पिज्जा रेडी है और वेसल से अच्छे से ढक दीजिए। थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम में आप पकने दीजिए तो आपका पिज्जा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है ओवन में। ये माइक्रोवेव ओवन नहीं है, नॉर्मल ओवन है, वही इस्तेमाल किया है यहाँ पे पिज्जा बनाने के लिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा पिज्जा बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सर्विंग प्लेट में रख देंगे। कितना अच्छा लग रहा है हार्ट शेप पिज्जा। ऊपर से ऐड कर दीजिए थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरेगानो अगर आपको चाहिए। और हम कट कर लेंगे पिज्जा को, एक कटर की मदद से कट कर लीजिए। और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। चलिए चख के देख लेते हैं कैसा बनाया है हमने पिज्जा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आराधना किचन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है।